everybody, I am Muskan Moolchandani and welcome to the Creative Edge channel. Today we are going to do a little bit of GK where we are going to do the important dams and rivers of the country. All right, so let's start with it. So without wasting any time, let us start with the important bridges and dams that we have jahan GK is concerned. Theek hai, first question jo aapke samne hai वो है, इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. जो ऑप्शंस आपके सामने हैं वो है यमुना, चंबल, नर्मदा और कृष्णा, है ना. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज नर्मदा. ऑल राइट, प्लीज रिमेंबर कि द इंदिरा सागर डैम इज हैज अ कैपेसिटी ऑफ 12.22 billion cubic meters. All right, it is the largest dam in India. ठीक है, but it is the largest dam in terms of volume. ठीक है, please याद रखिएगा. अगर आपसे पूछा गया है कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स कौन सा लार्जेस्ट डैम ऑफ द कंट्री है, वो होगा इंदिरा सागर डैम. ठीक है, बट अगर पूछा गया है कि लार्जेस्ट डैम इन टर्म्स ऑफ हाइट कौन सा है, तो उसका आंसर होगा भाखड़ा नंगल डैम. ऑलराइट, फॉर मोर इन्फो प्लीज टेल मी वेयर इज द भाखड़ा नंगल डैम लोकेटेड. It is located in Himachal Pradesh. All right, ठीक है. Height कितनी है भाखड़ा नंगल डैम की? भाखड़ा नंगल डैम की height है 225 meters. Please remember that. Okay. Coming back to the Indira Sagar Dam, the Indira Sagar Dam is a concrete gravity dam. ठीक है. ये उन लोगों के लिए है जो आर्किटेक्चर का एग्जाम दे रहे हैं. ऐसा देखा गया है कि नाटा में, जेईई में भी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो कम. ठीक है, कि विच काइंड ऑफ अ डैम इज द इंदिरा सागर डैम. दैट्स द रीजन व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट विथ यू हियर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कृष्ण राज सागर डैम, ऑल राइट, वेयर इज दिस लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका एंड इट इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. So it is built on the river Kaveri. All right, so the Krishna Sagar Dam is basically located in Mysore. Okay, I hope everybody knows Mysore Pak. Bahut sare logon ne khaya hoga. It is a very famous specialty of the south. Okay, it was constructed by the king of Mysore. His name was Krishna राजा वाडियार. फाइव, ओके, द फिफ्थ महाराजा ऑफ मैसूर. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस इज दैट इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फैमिन ऑफ 1911. ऑल राइट, एंड इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड. इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड टू यूज automatic sluice gates. What are sluice gates? आपने देखा होगा कि जब एक डैम को खोला जाता है, ठीक है, उसके गेट खोल दिए जाते हैं, तो बहुत फोर्स से पानी आता है. ठीक है, सो दैट फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए उसके अलग अलग गेट्स होते हैं. सो दोज गेट्स आर नोन एज स्लुइस गेट्स. ऑलराइट, सो इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू यूज ऑटोमेटिक स्लुइस गेट्स. व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड? द कृष्ण राज सागर डैम. वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन मैसूर इन कर्नाटक. And it was built by Krishna Raja Vadiyar V during the famine of 1911.
इट इज बिल्ट ऑन द रिवर कावेरी। तो प्लीज रिमेंबर कि सिर्फ क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन के साथ बहुत सारा एडिशनल इन्फो भी होता है, इसीलिए हम आपको ये एडिशनल इन्फो देते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑल राइट, सो दैट्स अबाउट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द मयूराक्षी डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑल राइट, सो द मयूराक्षी डैम इज ऑल्सो नोन एज द मसनजोर डैम। ठीक है, सो द मयूराक्षी डैम इज ऑल्सो नोन एज द मसनजोर डैम एंड इट इज लोकेटेड इन झारखंड। ऑल राइट, ऑल राइट, सो इट वॉज बिल्ट। द मयूराक्षी डैम इज इंटरेस्टिंगली ऑल्सो नोन एज द कैनेडा डैम। ठीक है, इसको कैनेडा डैम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कैनेडा से एड, ठीक है, हेल्प ली गई थी फ्रॉम द कनेडियन गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट दिस डैम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट। ऑल राइट, इसीलिए इसको कनाडा डैम भी बोला जाता है। ऑल राइट, प्लीज रिमेंबर दैट इट इज बिल्ट ऑन द रिवर, इट इज बिल्ट इन द प्लेस दुमका। ठीक है, यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, रिवर कौन सी है? मयूराक्षी रिवर पे ही ये डैम है। ऑल राइट, मयूराक्षी रिवर पर ये डैम है जिसका नाम है मसनजोर डैम। प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज मसनजोर डैम, इट इज ऑल्सो नोन एज कैनेडा डैम। ऑल राइट, एंड वेयर इज दिस? दिस इज इन अ प्लेस कॉल्ड डुमका इन झारखंड, एंड इट वॉज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ द कनेडियन गवर्नमेंट। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट इज द हाइट एंड विच स्टेट हैज द हाइस्ट एंड द बिगेस्ट डैम इन इंडिया? ऑल राइट, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी उत्तराखंड। हाँ जी, तो जिन लोगों को पता नहीं है उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो डैम है उस डैम का नाम है टेहरी। टेहरी डैम इज द हाइएस्ट एंड द बिगेस्ट डैम। ऑल राइट, इट हैज अ हाइट ऑफ 260.5 मीटर्स। कितने मीटर्स? इट हैज अ हाइट ऑफ टू सॉरी 260.5 मीटर्स। ऑल राइट, ऑल्सो इट इज इन द टॉप 10 डैम्स इन द वर्ल्ड। ऑल राइट, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, टॉप 10 हाइएस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट उसके बारे में ये है दैट इट इज बिल्ट ऑन द रिवर भागीरथी। वेयर इज इट? इट इज बिल्ट ऑन द रिवर भागीरथी। ऑल राइट, ठीक है, तो उत्तराखंड का जो हाइएस्ट एंड बिगेस्ट डैम है इट इज बिल्ट ऑन द रिवर भागीरथी। द नेम ऑफ द डैम इज तेहरी डैम। इट इज अमंग द टॉप 10 हाइएस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, और इसकी हाइट क्या है? 260.5 मीटर्स। ऑल राइट, ठीक है, चलिए ये तो समझ गए हम। थोड़ा सा एक कुछ समझते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डैम है जो हमको यहाँ पर मिस नहीं करना चाहिए, और वो है लॉन्गेस्ट डैम। ठीक है, हमने हाईएस्ट डैम देख लिया, हमने बिगेस्ट डैम देख लिया, वो है तेहरी डैम। ठीक है, अब जो लॉन्गेस्ट डैम है वो कौन सा है? लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम। ठीक है, तो जो हीराकुड डैम है ये कहाँ है? ये बना हुआ है अक्रॉस द महानदी। एंड वेर इज इट द हीराकुड डैम? इट इज इन ओडिशा। संभलपुर। ऑल राइट, सो नाउ वी हैव सो मेनी सो मच ऑफ जीके टू गो विथ। ठीक है, हाईएस्ट एंड बिगेस्ट हो गया, ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट डैम। हमारा लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है?
वो है हीराकुड डैम। ऑल राइट, और कहाँ है ये? महानदी रिवर पर है, इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, संभलपुर में। ऑल राइट, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 25.8 किलोमीटर्स। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, द लेंथ ऑफ द डैम इज 25.8 किलोमीटर्स। ओके, ऑल राइट। तो रिवर, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कभी कि किस रिवर पर लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है, तो आपको इसका आंसर पता है, ये है महानदी रिवर। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, अच्छा एक बार मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रिजेस होती हैं रेगुलर, जो जो अक्रॉस किसी चीज के होती हैं, दूसरा होती हैं दे आर अक्रॉस रिवर्स। ऑल राइट, कुछ होती हैं जो जगहों को कनेक्ट करती हैं, ओके, ओवर ब्रिजेस जैसी होती हैं। नाउ हियर द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज दैट वी हैव इन इंडिया इज द भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, एंड वेयर इज दिस ब्रिज? तो ये ब्रिज कहाँ है? ये ब्रिज है आसाम में। ठीक है, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ है 9.15 किलोमीटर्स। ऑल राइट, सो इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। इट कनेक्ट्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ऑल राइट, ठीक है, ये याद रखना है हमको। ओके, थोड़ा सा जो दूसरी ब्रिजेस दिए हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। जो वेम्बनाद रेल ब्रिज है, ठीक है, ये कहाँ है? वेम्बनाद रेल ब्रिज इज इन कोची, केरला। ऑल राइट, ठीक है, इट हैज अ लेंथ ऑफ 4,620 मीटर्स। ऑल राइट, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज कौन सी होगी? फर्स्ट लॉन्गेस्ट इज द बोगीबेल। बोगीबेल कहाँ है? यस, बोगीबेल ब्रिज। ऑल राइट, प्लीज चेक इसका लोकेशन कहाँ है एक बार, थोड़ा सा और इन्फो चाहिए हमको इस पे। ऑल राइट, तो नेक्स्ट वाली पॉइंट पे आते हैं, ये है कोयला भूमरू सेतु। ठीक है, तो कोयला भूमरू सेतु वेयर इज दिस? इट इज लोकेटेड इन असम एंड इट इज 3.01 किलोमीटर्स। ऑल राइट, इट इज बिल्ट ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र। ऑल राइट, एंड इट कनेक्ट्स तेजपुर टू कलियाबोर। गॉट इट? लास्ट वाला समझते हैं क्या है, टैंजिन ग्रैंड ब्रिज। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फो समझते हैं क्या है। सो द तैंजिन ग्रैंड ब्रिज इज लोकेटेड इन चाइना। ठीक है, सबसे पहले हमारा वैसे ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। ओके, तो तैंजिन ग्रैंड ब्रिज इज इन चाइना एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस इन द वर्ल्ड एंड इट कनेक्ट्स बीजिंग टू शंघाई। ऑलराइट, ठीक है, अब ये अगर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज है, तो लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड कौन सी है? ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, आप प्लीज याद रखिए कि ये लॉन्गेस्ट ब्रिज नहीं है। ओके, बट सिंस वी आर डूइंग लॉन्गेस्ट ब्रिजेस, लेट अस सी विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। द नेम ऑफ दैट ब्रिज इज डैनियम कुंचन ग्रैंड ब्रिज। ऑल राइट,
सो इवन दिस ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड. ओके, द तियानजिन ग्रैंड ब्रिज इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस. द कोयला बोमरो सेतु इज अ ब्रिज दैट इज इन असम. इट इज बिल्ट ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट कनेक्ट्स तेजपुर टू कलियाबोर. द वेम्बनन रेल ब्रिज इज इन कोची केरला. इट इज 400,620 मीटर्स. इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज इन इंडिया एंड द फर्स्ट लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज इन इंडिया इज द बोगीबील ब्रिज. ऑल राइट, द भूपेन हजारिका सेतु इज इन असम विच इज 9.15 किलोमीटर्स इन लेंथ. इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया एंड इट कनेक्ट्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम विथ अरुणाचल प्रदेश. ऑल राइट, ठीक है. द लास्ट ऑप्शन इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड दैट इज डैनयांग कंचन ग्रैंड ब्रिज. ऑल राइट, सो मच इन्फो यू हैव टू गेट थ्रू एंड रिमेंबर. प्लीज कीप वॉचिंग दीज स्लाइड्स डे इन डे आउट. 10-15 मिनट की बात है. अगर आप ये बार बार देखते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो आप लोगों को याद होते जाएंगी ये सब चीजें. ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. वेयर इज द इंचियन ब्रिज लोकेटेड? हाँ जी, सो द इंचियन ग्रैंड ब्रिज इज लोकेटेड इन साउथ कोरिया. ऑल राइट, इट इज द सो द इंचियन ब्रिज इज द फिफ्थ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज. ठीक है, अब हमने केबल स्टेड ब्रिजेस जो होते हैं वो समझने की जरूरत है. ठीक है, ये होती है ब्रिज और ये होते हैं इनके पोल्स. ठीक है, और इससे वो केबल ऐसे कनेक्ट करता है. ठीक है, इस तरीके से वो कनेक्टेड रहता है. अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर याद आ जाए तो यू विल बी एबल टू रिमेम्बर. ठीक है, ये हो गई ब्रिज और इस तरीके से वो केबल कनेक्टेड रहता है एक टावर से. ऑल राइट, सो इससे वो डेक को सपोर्ट किया जाता है इन केबल्स से. ऑल राइट, अच्छा, अब क्योंकि हम लोग केबल स्टेड ब्रिजेस कर रहे हैं, समझते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज कौन सी है. सो सबसे लॉन्गेस्ट जो केबल स्टेड ब्रिज है वो है द रस्की ब्रिज. ठीक है, सो रस्की ब्रिज जो है दैट इज इन रशिया. इट इज द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज. ऑल राइट, इसकी लेंथ कितनी है? इट इज 1104 मीटर्स इन लेंथ. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, सो आई थिंक बहुत सारा इन्फो है इसमें भी. तो इंचियन ब्रिज वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन साउथ कोरिया. ओके, एंड इट इज द फिफ्थ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज. द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन द वर्ल्ड इज द रस्की ब्रिज विच इज लोकेटेड इन रशिया. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? हाँ जी, तो आपको क्या बताना है कि रॉन्ग कौन सा मैच्ड है. ठीक है, तो हीराकुंड जो है ये महानदी पे बना हुआ डैम है. हाँ जी, ये बिल्कुल सही है. ठीक है, वेर इज दिस? इट इज नियर संबलपुर इन ओडिशा. ऑल राइट, नागार्जुन सागर जो है वो नालगोंदा में है. ठीक है, नाउ दिस इज इन नालगोंदा. ऑल राइट, इन तेलंगाना. बट द थिंग दैट इज रॉन्ग हियर, इसकी ये कावेरी रिवर पे बना हुआ नहीं है, ये रिवर कृष्णा पे बना हुआ है. ओके, सो द नागार्जुन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? आपका आंसर यूजुअली होना चाहिए नागार्जुन, क्योंकि इट इज
बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा एंड नॉट कावेरी। बट फिर भी समझते हैं आगे, भाखड़ा नंगल जो है ये सतलज पे बना हुआ है, और ये कहाँ आता है? ठीक है, ये आता है इन हिमाचल प्रदेश, जैसे हमने किया था, हिमाचल प्रदेश और पंजाब पर बना हुआ है ये। ठीक है, सो इट इज अ ह्यूज डैम। आई होप दैट लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, यू नो दैट दिस इज द बिगेस्ट डैम। ऑल्सो लेट मी जस्ट टेल यू द टाइप ऑफ डैम इट इज। इट इज अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। ठीक है, द लास्ट वन दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज पोचमपेड, विच इज ऑन द रिवर गोदावरी। सो यस, इट इज ट्रू, इट इज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। अच्छा, पोचमपेड इज ऑल्सो नोन एज द श्रीराम सागर प्रोजेक्ट। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, ऑल राइट। सो दिस इज ऑल द इन्फो दैट वी हैव। तो अपना आंसर होगा यहां पर दैट नागार्जुन सागर एंड कावेरी इज रॉन्गली मैच। द आंसर टू दैट विल बी द रिवर कृष्णा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज द फर्स्ट सी ब्रिज इन इंडिया। हाँ जी, तो सो द फर्स्ट सी ब्रिज इन इंडिया वॉज द पंबन ब्रिज। यस, सो द पंबन ब्रिज कनेक्ट्स द रामेश्वरम आइलैंड। मेनलैंड, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट सी ब्रिज इन इंडिया। इट इज ऑल्सो द सेकेंड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल राइट, तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट करना जरूरी है ना? तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा सी ब्रिज होगा फिर? द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज नंबर वन पे कौन सा होगा? नाउ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इज स्टिल इन कंस्ट्रक्शन, दैट इज द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि 2025 तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 93% ऑफ इट इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, सो हेंस इट इज रेटेड एज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। ओके, थोड़े दूसरे वाले जो ऑप्शंस हैं हम उसको भी समझते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बोगीबेल किया था एक, याद है आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में? तो बोगीबेल जो था वो क्या था? इट वॉज अ रेल ब्रिज, राइट? सो इट वॉज द लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज, एंड वेयर इज दिस? इट इज इन असम एंड बिल्ट ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र। ऑल राइट, प्लीज रिमेंबर दिस कि दिस ब्रिज इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस ऑल्सो बिकॉज इट इज एबल टू कनेक्ट टू तिब्बत फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो दैट इज वाई दिस इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हमारा जो रिवर ब्रिज है वो है दिबंग रिवर ब्रिज। ठीक है, तो ये कहाँ आता है? इट इज लोकेटेड, नाउ दिबंग रिवर ब्रिज इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश अगेन। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन, अच्छा कौन सी स्टेट्स को कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स दाम्बुक एंड रोइंग, दीज आर द टू स्टेट्स दैट इट कनेक्ट्स। लास्ट क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा धोल साड़िया। ओके, धोल साड़िया, वेर इज दिस रिवर ब्रिज? दिस इज एक्चुअली द भूपेन हजारिका ब्रिज। सो द भूपेन हजारिका ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज द धोला साड़िया ब्रिज। ऑल राइट, ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज कहाँ है। भूपेन हजारिका ब्रिज कहाँ है? ये है हमारा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, राइट? ठीक है,
ये है हमारा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। इसको भूपेन हजारिका ब्रिज भी बोला जाता है, धौला सादिया भी बोला जाता है। ऑलराइट। पंबन ब्रिज जो है ये कहाँ है? ये हमारा फर्स्ट सी ब्रिज है एंड इट इज एट रामेश्वरम, दैट कनेक्ट्स द रामेश्वरम आइलैंड टू द मेनलैंड। ऑलराइट। विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, और जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट बन रहा है वो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, जो बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2025 में बन के तैयार हो जाएगा। ओके, कमिंग नेक्स्ट, दिबांग रिवर ब्रिज है हमारा अरुणाचल प्रदेश में एंड इट कनेक्ट्स डैम्बुक टू रोइंग। ऑलराइट। बोगीबेल ब्रिज जो है ये है हमारा रेलवे जो सबसे बड़ा है। ओके, इट इज ऑन नंबर 1। ऑलराइट, इट इज द लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज, प्लीज रिमेंबर दैट। एंड वेयर इज इट? इट इज इन असम ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र। एंड व्हाई इज इट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस? क्योंकि तिब्बत से कनेक्ट करता है ये। ओके, तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, विच इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो वी शैल स्टॉप हियर विथ द ब्रिजेस एंड डैम्स। अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू वंस अगेन, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, सो दैट यू आर एबल टू रिकलेक्ट जो हम लोग ये क्लासेस में करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विद अस। आई होप इट एडेड ऑन टू द इंफॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी हैव। फॉर मोर सच क्रिएटिव एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट, यू कैन गेट इन टच विद अस थ्रू आवर सोशल हैंडल्स, और यू कैन सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।